डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टू कैटालिस्ट्स, विल्किंसन कैटालिस्ट एंड जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस कैटालिसिस एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ कैटालिस्ट, देन इट बिकम इजी to learn or to get the knowledge about these two special kind of catalysts. ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है और जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जो कि कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। और जब हमने होमोजेनियस और हेटरोजेनियस कैटालिस्ट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो अब हम इसको आसानी से समझ पाएंगे, ये विल्किंसन कैटालिस्ट और जिगलर नाटा कैटालिस्ट किस तरीके से एक्ट करते हैं और कैसे दे आर, हाउ दे आर इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट। नाउ इफ वी सी द विल्किंसन कैटालिस्ट, कि विल्किंसन कैटालिस्ट क्या है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट। ये क्या है, एक रोडियम का कॉम्प्लेक्स है। इस रोडियम के कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे देयर आर थ्री ट्राइफिनाइल फॉस्फिन्स, तीन ट्राइफिनाइल फॉस्फिन्स हैं, एक क्लोरीन है और क्या है इसमें, रोडियम वन ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो इन दिस विल्किंसन कैटालिस्ट रोडियम इज प्रेजेंट एज रोडियम वन, एंड रोडियम वन, the configuration of rhodium 1 is 4d8 while that of rhodium is 4d8 5s1। to iski jo speciality hai is coordination compound ki, is organometallic compound ki aap dekhenge to isme jo hai speciality hai, ye kyon ek catalyst ki tarah act karta hai। so what are the regions that it acts as a catalyst, that is its ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नंबर वन पॉइंट। ये बड़ी स्पेशलिटी है इसकी। और ये जो है ये एक होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है। जो विल्किंसन कैटालिस्ट है ये एक होमोजीनियस कैटालिस्ट है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें रोडियम वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जिसका कन्फिग्रेशन होता है वैलेंस कन्फिग्रेशन 3d8। और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट the number of total valence electrons after complex formation। तो हम देखेंगे कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नाउ वी विल अप्लाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई करें तो हमने देख लिया है कि जो रोडियम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप पुराना रिकॉल कीजिए, आपने 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ा हुआ है, उसमें आपने देखा है कि ये जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स एल, और टू इलेक्ट्रॉन्स एक लिगेंड डोनेट कर सकता है, तो इट शुड बी इक्वल टू 18। अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स के लिए इसको हम कैलकुलेट करें, फॉर दिस विल्किंसन कैटालिस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 8, थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड फ्रॉम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरीन। तो क्योंकि वहां पर तीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स देंगे और एक क्लोरीन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल कितना आ गया, 16 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज नॉट फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसका, इसकी वजह से ये जो कैटालिस्ट है, ये देखिए, इट इज अ गुड कैटालिस्ट ड्यू टू कोऑर्डिनेशन अनसेचुरेशन। ये जो नाम है इसके लिए हमने दिया है, जो कोऑर्डिनेशन अनसेचुरेशन, इसकी वजह से ये क्या है, एक अच्छा कैटालिस्ट। कोऑर्डिनेशन अनसेचुरेशन का मतलब क्या है यहां पर, इट मींस इट हैज नॉट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 18। इसके जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने होने चाहिए थे, 18, लेकिन इसमें 18 नहीं है। ये 18 क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये एक
ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कंपाउंड है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कितने ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस शेल में? 9, 1s, 3p एंड 5d। और 9 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18, जबकि यहां पर कितने आ रहे हैं? केवल 16। तो इसको हम यहां पर क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन। इसको हम कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन की कंडीशन कहते हैं जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल 18 नहीं है, कम है उससे, तो ये अनसैचुरेशन आ गया। इसका डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कैटलिस्ट का। इस कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन की वजह से आप देखेंगे एक ऑर्बिटल तो इसमें खाली है, यानी ये 8 ऑर्बिटल्स फिल्ड है और एक ऑर्बिटल इसमें खाली है, और इस खाली ऑर्बिटल की वजह से इट कैन इजीली प्रोवाइड वैकेंट साइट, एक खाली जगह बच गई, तो ये खाली जगह पर कोई दूसरा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं होमोजीनियस कैटालिसिस में कि जो होमोजीनियस कैटालिस्ट होते हैं उनमें क्या होता है, वैकेंट साइट होती है, बिना वैकेंट साइट के वो रिएक्शन नहीं कर सकते। तो कैटालिस्ट वही होंगे जिनमें वैकेंट साइट होगी, जो कोऑर्डिनेशन एंड सैचुरेशन कंपाउंड्स होंगे। इफ वी सी द अदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस विल्किंसन कैटालिस्ट, देन वी विल फाइंड द कैटालिटिक प्रॉपर्टी दैट इज होमोजीनियस। इसकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी वो कैसी है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म। वो जो कैटालिस्ट है वो उसकी जो फेज है वो किसकी तरह होती है? रिएक्टेंट्स की। अब विल्किंसन कैटालिस्ट के केस में अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे रिएक्टेंट्स को देखेंगे। रिएक्टेंट्स एक होता है ओलिफिन, ठीक है, दूसरा जो रिएक्टेंट होगा भी आप देखेंगे, दूसरा जो रिएक्टेंट होगा वो H2 गैस। और ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है एक्चुअली ये एक सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, और इसका क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। ये किसमें? बेंजीन या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिजोल्व हो जाता है, तो इसका बनाएंगे सॉल्यूशन। तो जनरली जो जो रिएक्टेंट है दैट इज ओलिफिन एंड दिस कैटालिस्ट दी विल्किंसन कैटालिस्ट, ये एक लिक्विड में प्रेजेंट रहते हैं, और फिर इनके साथ कौन रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन गैस। तो ये जरूरी नहीं है जो टोटल सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है? हेट्रोजीनियस। लेकिन जो रिएक्टेंट उसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, जो जो ओलिफिन है वो लिक्विड है, लिक्विड फेज में है, और जो जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो लिक्विड फेज में है, तो ये दोनों एक फेज में होने की वजह से यहां पर विल्किंसन कैटालिस्ट किसकी तरह एक्ट करता है? होमोजीनियस कैटालिस्ट। तो एक तो ये जो फेज है वो जो जो फेज है वो सेम फेज है और रिएक्टेंट्स की तरह। दूसरा इसमें क्या है? कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन, इसलिए ये होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है। और ये आप देखेंगे, ये इस कैटालिस्ट की अगर हम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को देखें तो दो स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें है। एक तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है शेप में, दूसरा इसमें क्या होती है? स्टेरिकल हिंडरेंस होती है। स्टेरिकल हिंडरेंस क्यों होती है? क्यों होती है? देखिए, आपने देखा इसमें क्या है, 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ग्रुप्स हैं, इसलिए इसमें क्या होती है? स्टेरिक हिंडरेंस होती है। और इस हिंडरेंस को हम इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये जो रोडियम का कॉम्प्लेक्स है विल्किंसन कैटालिस्ट, ये स्क्वायर प्लेनरी अरेंज है। 3 साइड तो इसमें क्या है, प्लेनर में PPH3 है, और एक साइड क्या है, Cl है। और अगर हम देखेंगे, देखिए PPH3 क्या है, एक्चुअल में P के साथ 3 फिनाइल ग्रुप्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक फिनाइल ग्रुप है ये कितना बल्की है, फिर दूसरा फिनाइल ग्रुप, फिर तीसरा फिनाइल ग्रुप। तो ये जो स्टेरिक हिंडरेंस इसमें है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर होमोजेनियस कैटालिस्ट, क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप्स के होने से क्या होता है, एक्चुअली सबसे पहला स्टेप जो इस रिएक्शन का होता है वो ये जो बल्की ग्रुप है ये एलिमिनेट होता है सबसे पहले, क्योंकि ये क्या है, बल्की ग्रुप। तो आप यही ध्यान रखिए, दीज पॉइंट शुड बी नोटेड दैट जो जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो होमोजीनियस कैटालिस्ट है, स्टेरिक हिंडरेंस होती है, इसलिए एक बहुत अच्छे होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह ये एक्ट कर सकता है। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इट इज एन स्क्वायर प्लेन, इट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इट इज होमोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट होने के लिए दो इंपॉर्टेंट इसमें जो एस्पेक्ट्स हैं, वन इज कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन एंड सेकेंड इज द
स्टेरिक हिंडरेंस भी जो है वो उसको सपोर्ट करती है उसके होमोजीनियस कैटालिटिक नेचर को। अगर हम इस विल्किंसन कैटालिस्ट का कॉमन नेम देखें, अगर हम इसका कॉमन तो नहीं कह सकते आईपीएसी नेम, अगर हम इसका देखें, हमने ऑलरेडी नॉमनक्लेचर पढ़ लिया है, अगर हम इसका नेम देखें तो नेम इसका हम क्या कह सकते हैं, कितने फिनाइल फॉस्फिन्स हैं, तीन फिनाइल फॉस्फिन ग्रुप्स हैं, सो ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। अभी जो ट्राई फिनाइल फॉस्फिन मतलब जो पी है उसके साथ कितने फिनाइल जुड़े थे, तीन, तो इसको हम कह दिया ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। अभी ट्राई फिनाइल फॉस्फिन कितने हैं, तीन, तो उसको हमने क्या कह दिया, ट्रिस ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन क्लोरो, दूसरा जो लिगेंड था वो क्लोरो था, देन रोडियम फर्स्ट, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर क्या है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर एंड केमिस्ट्री ऑफ रोडियम कॉम्प्लेक्स दैट इज विल्किंसन्स कैटालिस्ट। ये कैसे एक्ट करेगा वो हम आगे पढ़ते जाएंगे कि ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है ये कैसे एक्ट करेगा। ये विल्किंसन कैटालिस्ट को प्रिपेयर करने का मेथड है, और विल्किंसन कैटालिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए रोडियम क्लोराइड चाहिए, रोडियम क्लोराइड, एक्सेस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फिन चाहिए, एंड बॉइलिंग C2H5OH, बॉइलिंग एल्कोहल की प्रेजेंस में ये रोडियम ट्राइक्लोराइड जब एक्सेस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फिन से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, विल्किंसन कैटालिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है और ये एक होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे हो करता है। एक्चुअली अभी तक हमने इसकी केमिस्ट्री पढ़ी जो विल्किंसन कैटालिस्ट था, अब हम देखेंगे ये क्या रिएक्शन करता है। एक्चुअली ये जो रिएक्शन करता है दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक खुद कैटालिस्ट है विल्किंसन, और क्या करेगा, हाइड्रोजिनेशन किसका करेगा, इट विल हाइड्रोजिनेट नॉन कंजुगेटेड एल्कीन्स और एल्काइन्स, किसका करेगा, नॉन कंजुगेटेड एल्कीन्स और एल्काइन्स का। जनरली इट वर्क्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और किसकी जरूरत होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जरूरत होगी जिसमें ये होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो अगर ये उसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर ये होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह एक्ट करेगा, देन नॉन कंजुगेटेड एल्कीन्स और एल्काइन्स दे विल बी कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेगा, उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, नॉन कंजुगेटेड एल्कीन्स की, या एल्काइन्स को भी हाइड्रोजिनेट कर सकता है। टेम्परेचर कंडीशंस आर ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, सॉल्वेंट चाहिए ऑर्गेनिक, एंड इट विल कन्वर्ट द नॉन कंजुगेटेड एल्कीन्स और एल्काइन्स इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये जो है डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट, तो देखिए दोनों कार्बन पर क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन, तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फॉर दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस। इस तरीके की कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस है, पर्टिकुलर कंडीशन कि ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है ये हरेक डबल बॉन्ड का नहीं होगा, ये हरेक ओलिफिन पर अटैक नहीं करेगा जो विल्किंसन कैटालिस्ट है। जनरली इट अटैक्स एट लीस्ट हिंडर्ड ओलिफिन, ये लीस्ट हिंडर्ड ओलिफिन पर ही काम करेगा, जिसको हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे कि लीस्ट हिंडर्ड ओलिफिन हम किसे कहते हैं। दूसरा हम कहेंगे कहां पर अटैक नहीं करेगा, इट डज नॉट अटैक ऑन अदर डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स, दूसरे जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स होंगे वहां पर ये अटैक नहीं करेगा, जैसे CN- है, CO है, NO2 है, एराइल और फिनाइल, और इसको बेंजीन भी कह सकते हैं, ये ग्रुप है CO2 और एस्टर ग्रुप है, तो इन ग्रुप्स में भी आप देखेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग तो होगी बट इन ग्रुप्स पर ये अटैक नहीं करेगा। ये स्पेसिफिसिटी है इस विल्किंसन कैटालिस्ट की, स्पेसिफिसिटी है कि ये लीस्ट हिंडर्ड ओलिफिन्स पर ही अटैक करेगा, मोस्ट हिंडर्ड ओलिफिन्स पर अटैक नहीं करेगा और इन ग्रुप्स पर भी ये अटैक नहीं करेगा। इसको हम दो एग्जांपल्स से समझेंगे, जहां पर एक एग्जांपल में हम देखेंगे कि एराइल ग्रुप को ये जो अटैक नहीं करेगा,
जो विल्किंसन कैटालिस्ट है, और दूसरे में हम देखेंगे कि जो मोस्ट हिंडर्ड ओलिफिन्स हैं, यानी इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन से। तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन्स होंगी उतना कम अटैक इस पर विल्किंसन कैटालिस्ट करेगा। अब ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि यहां पर देखिए दो तरीके के डबल बॉन्ड्स हैं, ये एक तो बेंजीन रिंग के अंदर है और एक डबल बॉन्ड आपको बाहर दिखाई दे रहा है यहां पर ओपन चेन में। तो आप यहां देख सकते हैं जब विल्किंसन कैटालिस्ट अटैक करेगा तो वो कहां पर अटैक करेगा, इट विल अटैक एट द ओलिफिनिक डबल बॉन्ड दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, और इससे पहले हमने स्पेसिफिसिटी पढ़ी विल्किंसन कैटालिस्ट की कि ये जो है एराइल ग्रुप्स पर, कार्बोनिल पर, साइनाइड पर, एनओ टू पर, एस्टरिक ग्रुप्स पर, इन पर ये अटैक नहीं करता है। तो ये जो एराइल डबल बॉन्ड है इन पर अटैक नहीं करेगा, बल्कि इस वाले डबल बॉन्ड पर ये अटैक करेगा। तो फिर देखिए आप यहाँ पर क्या कर दिया, इसने कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर दिया, इन डबल बॉन्ड से कोई अटैक रिएक्शन नहीं, बल्कि ये किससे रिएक्ट करता है, इस केवल इस डबल बॉन्ड से रिएक्ट करता है जो कि एराइल डबल बॉन्ड नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये एराइल डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं करता। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डबल बॉन्ड्स है किसकी, विल्किंसन कैटालिस्ट का ऑर्डर क्या होता है, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है उस पर सबसे ज्यादा अटैक, देन डाई सब्स्टिट्यूटेड, देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, देन टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें, देखिए ये हमारा कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड यहां पर है और एक डबल बॉन्ड यहां पर है। अगर इस डबल बॉन्ड को देखें तो ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और अगर उस इसको देखें तो यहां पर क्या है, देखिए यहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन है। तो ये वाले बॉन्ड पर ये अटैक करेगा, देखिए विल्किंसन कैटालिस्ट किस बॉन्ड पर अटैक करेगा, ये वाले बॉन्ड पर, क्योंकि सबसे कम हिंडर्ड है, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और ये मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की तरह के प्रेजेंस में कर रहे होते, देखिए इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट, तो क्या होता, दोनों ही डबल बॉन्ड क्या हो जाते, हाइड्रोजिनेट हो जाते। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ये होमोजीनियस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो अगर हमें इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए कि केवल एक ही डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो, जो लीस्ट हिंडर्ड है, दैट विल नॉट हाइड्रोजिनेस, देन वी हैव टू यूज होमोजीनियस कैटालिस्ट लाइक विल्किंसन कैटालिस्ट। बट इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, बोथ ऑल टाइप ऑफ डबल बॉन्ड्स दे विल हाइड्रोजिनेज। तो ये इसका फायदा है होमोजीनियस कैटालिस्ट का, क्योंकि ये किस पर एक्ट करता है, केवल उस पर एक्ट करेगा, उस डबल बॉन्ड पर एक्ट करेगा जो कि लीस्ट हिंडर्ड डबल बॉन्ड होगा। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो जब हाइड्रोजिनेशन करता है थ्रू कैटालिटिक साइकिल करता है, दी हाइड्रोजिनेशन ऑफ ओलिफिन्स इट अकर्स थ्रू कैटालिटिक साइकिल। तो एक साइकिल बनती है, वो साइकिल मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन एक साइकिल के थ्रू जो है ये हाइड्रोजिनेशन होता है, क्योंकि जो कैटालिस्ट है एक्चुअली वो फिर क्या होते हैं, दे रीजनरेट अगेन। दिस टाइप ऑफ कैटालिटिक साइकिल अकर्स फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ ओलिफिन्स, ओलिफिन्स के हाइड्रोजिनेशन में इस तरीके की साइकिल होती है। देखिए जो विल्किंसन कैटालिस्ट है, ये विल्किंसन कैटालिस्ट जो है ये क्या करता है, इसमें से पहले एक PPH3 निकलेगा, जो मेन मैंने आपको पॉइंट्स दिखाए हैं, एक PPH3 निकलेगा, दैट विल रिमूव, देन एडिशन ऑफ H2। अब ये क्या है, दिस इज कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और इफ वन PPH3 विल रिमूव, अगर एक PPH3 हट जाएगा तो और ज्यादा कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन आ जाएगा। पहले ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, फिर ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। तो ये जो H2 है, दैट इज रिएक्टेंट दैट विल एडेड इजीली एड हो जाएगा थ्रू ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के थ्रू इजीली एड हो जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और एडिशन भी होता है, यानी जो रोडियम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी बढ़ेगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा और वो इसको ऐड भी कर लेगा। आपको होमोजीनियस कैटालिस्ट में आपने देखा था जो रिएक्शन है वो क्या होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। फिर कुछ हमने लिखा था कि कभी माइग्रेटरी इंसर्शन भी हो जाती है, यहां पर नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ओलिफिन का एडिशन होगा, ओलिफिन प्लस कैटालिस्ट जुड़ जाएंगे,
उसके बाद क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है फाइनल स्टेप होगा, और इस स्टेप के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा और इधर आपको क्या मिल जाएगा, कैटलिस्ट। तो जनरली जो जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो एक साइकिल की फॉर्म में काम करता है। ये फिर कैटलिस्ट बना, कैटलिस्ट में फिर से H2O जुड़ेगा, H2 जुड़ेगा, फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन, फिर एडिशन ऑफ ऑलिफिन, देन रिडक्टिव एलिमिनेशन, देन प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो ये जब भी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तब क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये तो डिफाइंड है कि अगर वो एक होमोजीनियस कैटलिस्ट होगा देन कुछ कुछ इस तरीके की साइकिल्स लगभग हर कैटालिटिक प्रोसेस में होंगी, और बीच में कुछ और भी रिएक्शंस हो सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट विल्किंसन कैटलिस्ट। जो दूसरा कैटलिस्ट हम पढ़ेंगे आज वो है जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। और जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट के लिए जिग्लर और नाटा दो साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला है इस रिएक्शन को बताने के लिए। और जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन है, उसके लिए इन 1963 दे गॉट नोबेल प्राइज। अब आप ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पर जो जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट है, एक्चुअली इट कैन एक्ट एज होमोजीनियस कैटालिस्ट एज वेल एज हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, एंड दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वी आर यूजिंग, उस पर डिपेंड करेगा जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट। तो दो तरीके का से यूज हो सकता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस बोथ। इस रिएक्शन को जो पॉलीमराइजेशन होता है जिग्लर-नाटा के थ्रू, ये यूज किया गया जिग्लर एंड नाटा के द्वारा 1954 में, और नोबेल प्राइज मिला 1963 में। ये दो तरीके का हो सकता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह आपका एक्ट करता है जब हम क्या लेंगे, मेटलोसीन्स। मेटलोसीन्स क्या होती है एक्चुअली, मेटलोसीन्स मेटल के साथ जो जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स हैं ये कंपाउंड बनाते हैं, सैंडविच होते हैं और हाफ सैंडविच होते हैं वो कंपाउंड। इस पर हम वर्क नहीं करेंगे अभी। होमोजीनियस कैटालिस्ट मेटलोसीन्स होती हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं, किसके हो सकते हैं, टाइटेनियम के, जिरकोनियम के, हाफ मिनियम के। और मेटला एल्युमिनोक्सेन MAO, इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो ये भी क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। तो ये है होमोजीनियस कैटालिस्ट। अगर होमोजीनियस कैटालिस्ट होगा तो उसमें इनके मेटलोसिन्स होंगे और मिथाइल एल्युमिनोक्सेन के साथ ये मिक्स होके होमोजीनियस कैटालिस्ट बनाएगा, एंड देन इट कैन परफॉर्म पॉलीमराइजेशन। जो हेट्रोजीनियस जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट है वो क्या है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम कंपाउंड्स TiCl4 एंड ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो हेट्रोजीनियस जो जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है, TiCl4 एंड AlC2H5 होल थ्राइस। इन दोनों का मिक्सचर जो है वो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करता है। अगर हम देखें कि कैसे ये जो मिक्सचर है किसका है, TiCl4 एंड AlC2H5 होल थ्राइस का, तो ये कहलाता है जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट। ये जो पॉलीमराइजेशन करता है वो टर्मिनल एल्कीन्स का करता है। किसका पॉलीमराइजेशन करता है, टर्मिनल एल्कीन्स, जो किनारे की साइड जो डबल बॉन्ड होगा उसको ये पॉलीमराइज करेगा। तो ये एल्कीन है, इस एल्कीन का पॉलीमराइजेशन करके ये पॉलीमर बना देगा, ठीक है। तो ये पॉलीमराइजेशन जो जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट है वो उसके टर्म में हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन करता है, किसका करता है, टर्मिनल एल्कीन का। और यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अबाउट हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट दैट विल एक्ट एज जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट। जो जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट की स्पेशलिटी है वो ये स्पेशलिटी है कि ये जो है इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर स्टीरियो रेगुलर। स्टीरियो रेगुलर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट। अगर हम क्या यूज करें, अब ये कंपाउंड जो स्टीरियो रेगुलर होते हैं एक्चुअली दे आर स्ट्रांग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। पॉलीमराइजेशन की क्या कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि पॉलीमर्स को हम कई जगह पर यूज कर सकते हैं, पॉलीथीन की तरह यूज कर सकते हैं, डिफरेंट जो हमारे रोज की जो यूज की चीजें हैं उनको बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो दे शुड बी स्ट्रांग, दे शुड बी हाई मेल्टिंग, दे शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो स्टीरियो रेगुलर जो पॉलीमर्स बनते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट उनका होता है।
जबकि अगर नॉन जो रेगुलर पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, ना ही उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना हाई होता है, दे शुड रेजिस्ट। तो ये इसकी स्टीरियो रेगुलरिटी है कि जिगलर नाटा जो प्रोडक्ट हैं दे आर स्टीरियो रेगुलर। स्टीरियो रेगुलर मीन्स देखिए उनका जो अरेंजमेंट है वो उसमें कुछ रेगुलरिटी होती है, जो पॉलीमर बनता है उसमें रेगुलरिटी होती है। ये देखिए कैसी रेगुलरिटी होती है, अगर हम देखें ये एक पॉलीमर का फॉर्मेशन हो गया, इस पॉलीमर को अगर हम देखें तो देखिए सी आर एच फिर सी एच टू देन सी आर एच, आप देख सकते हैं एक रेगुलर पैटर्न आपको दिखा, आर एच आर एच आर एच आर, आर में भी सी एच थ्री और एनी अदर ग्रुप, तो आप देख रहे हैं एक रेगुलरिटी है इसके जो अरेंजमेंट में रेगुलरिटी है। तो स्टीरियो रेगुलर है, जो ये जो स्टीरियो आइसोमर बन रहा है ये इसमें रेगुलरिटी है, तो इसको क्या कहते हैं आइसोटैक्टिक टाइप, ये आइसोटैक्टिक पॉलीमर है ठीक है। और दूसरे तरीके का जो स्टीरियो रेगुलर जो पॉलीमर है वो है सिनडायोटैक्टिक, ये देखिए दिस इज सिनडायोटैक्टिक टाइप स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ जो सी एस थ्री जुड़ा है वो यहां है, फिर सी एच टू इसके साथ जो सी एस थ्री जुड़ा है वो यहां है, फिर सी एस थ्री इसके साथ जो सी एस थ्री जुड़ा है वो यहां है, फिर इसके बाद जो सी एस थ्री, आप देख सकते हैं अल्टरनेटिवली इन ग्रुप्स में क्या है रेगुलरिटी है, पर अल्टरनेटिव रेगुलरिटी है। तो ऐसे टाइप के जो पॉलीमर्स हैं उनको क्या कहते हैं सिनडायोटैक्टिक। तो जो सिनडायोटैक्टिक एंड आइसोटैक्टिक जो जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होंगे स्ट्रांग होंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो जनरली जो हमें जो पॉलीमर मिलते हैं वो इसी तरीके के मिलते हैं जब जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन किया जाता है। पॉलीमराइजेशन के तो बहुत मेथड हैं लेकिन ये एक स्पेसिफिक मेथड है जिससे हमें स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स मिलते हैं। अगर हम देखें कि नॉन रेगुलर टाइप के कौन से पॉलीमर्स होते हैं तो उसका अरेंजमेंट भी हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई रेगुलरिटी नहीं मिलेगी आपको, कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, कभी सी एस थ्री आऊंगा कभी सी एस थ्री आऊंगा कभी सी एस, कहीं भी हो सकता है, नो रेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट। तो इस तरीके के जो आइसोमर्स जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं ए टैक्टिक। तो ए टैक्टिक टाइप जो होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जितने स्ट्रांग स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स होते हैं। तो पॉलीमर्स का क्योंकि बहुत यूज है इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की आप स्पेसिफिसिटी देख सकते हैं, एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। ये तो हमने दो एग्जांपल दिए हैं, विल्किंसन कैटालिस्ट क्या कर रहा है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या कर रहा है ये करता है पॉलीमराइजेशन। तो अगर हम इसको एक कंक्लूजन दें इस टॉपिक को तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत एप्लीकेबल हैं, उनका इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है। उससे पहले आपने कभी पढ़ा होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये हेल्पफुल हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं, और उसका एक जो डिफरेंट आस्पेक्ट हमने पढ़ा है वो है अबाउट देयर कैटालिटिक प्रोसेस। यहाँ पर हमने दो तरीके के कैटालिस्ट पढ़े हैं, एक है विल्किंसन कैटालिस्ट एक है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट क्या कर रहा है, विल्किंसन कैटालिस्ट रोडियम का कॉम्प्लेक्स है जो कि कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होता है, और वो जो है वो क्या करता है वो हाइड्रोजिनेशन करता है। किसका हाइड्रोजिनेशन करता है, जो लीस्ट हिंडर्ड डबल बॉन्ड होगा उसका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेगा। तो विल्किंसन कैटालिस्ट का ये काम है। अगर हम जिगलर नाटा कैटालिस्ट को देखें तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है बिकॉज इट फॉर्म्स, ये क्या बनाता है स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स फ्रॉम ओलिफिन्स, टर्मिनल ओलिफिन्स का पॉलीमराइजेशन करता है, और ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दो तरीके का होता है। जो मेटलोसिन्स हैं वो होमोजीनियस MAO के साथ होमोजीनियस कैटालिस्ट का फॉर्म करता है, और जो TiCl4 है वो ट्राईथाइल एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाता है हेट्रोजीनियस टाइप जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो मैकेनिज्म तो हम इसमें नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो उसके लिए कुछ और भी हमें टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट, जैसे हमें ऑक्सीडेटिव एडिशन आना चाहिए, हमें रिडक्टिव एलिमिनेशन आना चाहिए। तो इसको हमने कोशिश करिए कि बहुत सरल भाषा में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा पाऊँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस में विल्किंसन कैटालिस्ट एंड जिगलर नाटा कैटालिस्ट का क्या यूज है। सो थैंक यू वेरी मच for listening the lecture this patiently। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।